आज हम सिक्किम की बात करने वाले हैं। सिक्किम आप सब जानते होंगे हमारे हिंदुस्तान की एक स्टेट है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर आती है। अगर मैं आपको मैप के अंदर शो करूं तो ये सिक्किम है, ये वाला एरिया जो है वो सारा का सारा सिक्किम क्या है। तो इतनी सी स्टेट जो है वो सिक्किम है, बहुत छोटी सी स्टेट एरिया वाइज हमारे पास सिक्किम आती है और पॉपुलेशन वाइज भी बहुत छोटी सी स्टेट है। तो इसी सिक्किम की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, लेकिन हम बात क्या करने वाले हैं तो हमारे टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन सिक्किम। हम देखेंगे कि किस तरह से सिक्किम के अंदर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होती है, मतलब कि सिक्किम के अंदर हम राजनीतिक पार्टिसिपेशन देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग लोग वहां पे पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से लोग वहां पे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पे पॉलिटिक्स किस चीज़ के नाम पे होती है, वहां पे एजेंडाज क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं, वो सब हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। मेनली हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर ये पढ़ेंगे कि सिक्किम के अंदर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किस तरह से होती है। लेकिन सबसे पहले हमें ये पढ़ने के लिए सिक्किम के बारे में जानना होगा, सिक्किम का थोड़ा सा बैकग्राउंड डेवलप करना होगा, सिक्किम की थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी होगी। तो जब मैं सिक्किम की बात करता हूँ, 1890 में सिक्किम बिकेम प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। ब्रिटिश इंडियन एम्पायर की सिक्किम जो है वो एक प्रिंसली स्टेट बन जाती है। 1890 से पहले सिक्किम जो है वो ब्रिटिश इंडिया के साथ नहीं जुड़ी हुई थी। लेकिन 1890 में क्या होता है, 1890 में क्या होता है, सिक्किम जो थी वो हिंदुस्तान के साथ, और वो हिंदुस्तान जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, जो ब्रिटिशर्स का एम्पायर हुआ करता था, जिसको ब्रिटिश इंडिया एम्पायर कहते थे, जिसके अंदर क्या बोलते पाकिस्तान भी आता था, बांग्लादेश भी आता था, तो उसी के साथ जो है वो सिक्किम भी जुड़ जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1947 के बाद सिक्किम जो थी वो हिंदुस्तान का प्रोटेक्टोरेट बन जाती है। यहाँ पर सिक्किम का हिंदुस्तान का प्रोटेक्टोरेट बनने का क्या मतलब है, 1947 में क्या होता है, जब हमारे देश को आज़ादी मिल रही थी, ब्रिटिशर्स ने सभी प्रिंसली स्टेट्स को जो है वो चॉइस दी, एक ऑफर दिया, चाहे तो हिंदुस्तान के साथ जुड़ सकते हो, चाहे तो पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हो, और चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हो। और चूंकि सिक्किम जो है वो प्रिंसली स्टेट थी और 1890 में वो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के अंदर आ गई थी, लेकिन वो प्रिंसली स्टेट थी, इसलिए सिक्किम के अंदर जितने भी काम देखे जाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसको एक राजा रूल किया करता था। 1947 के बाद भी सिक्किम जो है वो प्रिंसली स्टेट ही रही, लेकिन सिक्किम जो है वो हिंदुस्तान का प्रोटेक्टोरेट बन गई, मतलब कि वो एक अलग स्टेट है, अलग कंट्री है, लेकिन वो हिंदुस्तान की प्रोटेक्शन के अंदर है, मतलब कि हिंदुस्तान उसको डिफेंस भी प्रोवाइड करेगा, आर्मी मिलिट्री सारा हिंदुस्तान उसका देखेगा, कम्युनिकेशन भी हिंदुस्तान का उसका देखेगा, और एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब कि जो बाहर के देशों के साथ जो रिलेशंस हैं वो भी हिंदुस्तान देखेगा। तो सिक्किम जो है 1947 के बाद हिंदुस्तान का प्रोटेक्टोरेट रही। प्रोटेक्टोरेट यहां पे रहने का मतलब यह है कि सिक्किम का राजा खुद को वहां पे रूल कर रहा था, सिक्किम का राजा सिक्किम को रूल कर रहा था, जो वहां की इंटरनल ऑटोनॉमी है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, वहां पे हिंदुस्तान का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। हिंदुस्तान सिर्फ सिक्किम का जो है वो डिफेंस देखता था, एक्सटर्नल अफेयर्स देखता था। तो इस तरीके से सिक्किम जो है वो हिंदुस्तान की एक प्रोटेक्टोरेट थी, सिक्किम हिंदुस्तान का प्रोटेक्टोरेट बन गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1973 में क्या होता है, जो वहां का मोनार्क था उसके खिलाफ वहां पे कई सारे डिमोन्स्ट्रेशंस और प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंटी मोनार्की डिमोन्स्ट्रेशंस और प्रोटेस्ट वहां पे होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है, वहां पे मैंने आपको बताया अभी भी राजा रूल कर रहा था, राजा ही वहां की एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा था, वहां के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पे मैनेज कर रहा था, हिंदुस्तान सिर्फ सिक्किम को बाहर से बचा रहा था, डिफेंस हिंदुस्तान सिक्किम को प्रोवाइड कर रहा था, एक्सटर्नल अफेयर्स हिंदुस्तान उसके देख रहा था, कम्युनिकेशन हिंदुस्तान देख रहा था। सिक्किम एक अलग तरह का स्टेट था, अलग तरह का राज्य था, जहाँ पे थोड़ी सी उनको ऑटोनॉमी दी गई थी, अंदर की सारी ऑटोनॉमी हमने उनको दी थी कि अंदर तुम जैसे मर्जी रूल करो, बाकी तुम्हारा हम देखेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, सिक्किम के अंदर 1973 में लोग जो हैं वो मोनार्की के खिलाफ वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, एंटी मोनार्की प्रदर्शन होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, इलेक्शंस की बात हो रही थी, तो लोग नहीं चाहते थे कि हम राजा के अंडर जो है वो रूल्ड हों, हम राजा का राज यहाँ पे नहीं चाहते हैं, हम जो है लोकतंत्र चाहते हैं, लोगों का राज चाहते हैं। तो 1973 में क्या हुआ, वहाँ पे मोनार्की के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, कहा गया कि मोनार्क को गद्दी से हटा दो, यहाँ पे जो है इलेक्शंस होनी चाहिए, यहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, मोनार्क जो है वो एक रेफरेंडम को हेल्ड करता है, तो राजा ने कहा कि हम पूरे के पूरे सिक्किम स्टेट के अंदर एक रेफरेंडम जो है वो करवाएंगे। रेफरेंडम का मतलब ये था कि पूरे सिक्किम की पॉपुलेशन को पूछा जाएगा, उसको दो ऑप्शन दिए जाएंगे कि क्या वो
मोनार्की का समर्थन करते हैं या फिर मोनार्की के अगेंस्ट हैं, क्या वो चाहते हैं कि राजा को हटा दिया जाए। और 97% लोगों ने कहा कि राजा को हटा देना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 16 मई को हिंदुस्तान के यूनियन के साथ सिक्किम जुड़ जाता है। पहले सिक्किम हिंदुस्तान का प्रोटेक्टोरेट हुआ करता था, अब 1975 में सिक्किम हिंदुस्तान की एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बन जाती है। सिक्किम पूरी तरीके से हिंदुस्तान के साथ शामिल हो जाता है और सिक्किम हिंदुस्तान की एक स्टेट बन जाती है, एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन जाती है। तो ये हमने बैकग्राउंड डेवलप किया सिक्किम के बारे में, ये हमने हिस्ट्री डेवलप की सिक्किम के बारे में। उसके बाद हम यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करेंगे। तो जब मैं सिक्किम के अंदर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करता हूँ, हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से सिक्किम के अंदर पॉलिटिकली लोग पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से वहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं, किस तरह से वहाँ पे राजनीति होती है, किन इशूज के ऊपर होती है, ये सब यहाँ पे बात की जाएगी। तो यहाँ पे हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सिक्किम यहाँ पे आता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इसके अंदर सबसे पहले आता है एथनो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज। एथनो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पे क्या मतलब है कि सिक्किम की जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनका मेन एजेंडा जो है वो वहां की एथनिसिटी होता है, वहां का रिलीजन होता है, वहां के लोकल इश्यूज होते हैं, वहां के एथनिक इश्यूज होते हैं। मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वहां पे होगी ना, उनका मेन एजेंडा क्या होगा, अपनी आइडेंटिटी को बचाना है, अपनी एथनिसिटी को बचाना है, अपने कल्चर को बचाना है, अपने सेक्शन को बचाना है, राइट, अपने सोशियो रिलीजियस सिनेरियो को बचाना है। ये सब उनका एजेंडा होता है। उनका एजेंडा होता है कि रीजनल और एथनिक इश्यूज के ऊपर फोकस किया जाए, मतलब कि सिक्किम के ऊपर फोकस किया जाए, वहाँ की एथनिसिटी के ऊपर फोकस किया जाए, वहाँ की जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनके कल्चर को किस तरह से बचाना है उसके ऊपर फोकस किया जाए, यही वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का आइडियोलॉजी होता है, एजेंडा होता है। उसके बाद इसके अंदर आता है पॉलिटिकल पार्टीज अडॉप्ट एंड आर्टिकुलेट द इश्यूज मेनली रेज्ड बाय सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि सिक्किम के अंदर जितनी भी सिविल मूवमेंट्स चलती है ना, सिविल मूवमेंट्स का क्या मतलब है, सिविल पॉपुलेशन या सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स होती है वो मूवमेंट्स जो वहाँ की कॉमन मासिस के द्वारा, वहाँ की सिविल सोसाइटी के द्वारा चलाई जाती हैं। मान लो वहाँ पे लोग जो हैं, वहाँ की सिविल सोसाइटी जो है ये चाहती है कि हमारी लैंग्वेज को बचाना है, या वूमेंस के एम्पावरमेंट की बात हो रही है, जो भी वहाँ की जनता की डिमांड है ना, वहाँ की सिविल सोसाइटी की डिमांड है, वही चीज़ें जो हैं वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज भी अडॉप्ट कर लेंगी। मतलब कि सिंपल सा अगर मैं आपको समझाऊँ, जो वहाँ की जनता चाहती है वही वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं। अगर जनता कहेगी कि जहाँ पे वुमेन्स को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी कहेंगी कि हाँ यहाँ पे रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। जो जनता कहती है वही चीज़ें, जो सिविल सोसाइटी कहती है वही चीज़ें वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अडॉप्ट कर लेती हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एडजस्ट देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द कंसर्न्स एंड इश्यूज ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस। जो भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, जो मेन स्ट्रीम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जब सिक्किम के अंदर जाती है ना, तो उनकी वो आइडियोलॉजी जो नेशनल लेवल पे है सिक्किम के अंदर वो नहीं रह जाती है। सिक्किम के अंदर वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी, ये दो मेन नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पूरे देश के अंदर किस तरह से राजनीति करेंगी इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है, इनकी आइडियोलॉजी पूरे देश के अंदर क्या है इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये सिक्किम के अंदर जाएंगे, वहाँ पे चुनाव लड़ने जाएंगे, वहाँ पे पॉलिटिक्स करेंगे, तो इनको भी वही पॉलिसीज और प्रोग्राम्स और ऑप्ट करने होंगे, अडॉप्ट करने होंगे जो सिक्किम की जनता चाहती है। इनको भी रीजनल और एथनिक इश्यूज के ऊपर फोकस करना होगा, इनको भी सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स के इश्यूज के ऊपर फोकस करना होगा, तो इनको भी सिक्किम के अंदर सिक्किम के लोगों के हिसाब से राजनीति करनी होगी। उसके बाद इसके अंदर आता है थ्री कम्युनिटीज हैं वहाँ पे, तीन मेजर कम्युनिटीज हैं वहाँ पे, जैसे कि नेपालीज हैं, भूटियाज हैं और साथ ही साथ लेपचाज हैं। क्या हैं तीन वहाँ पे मेजर कम्युनिटीज हैं, नेपालीज, भूटियाज और लेपचाज। ये तीन जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ के पॉलिटिकल लैंडस्केप को जो है शेप कर देती हैं। वहाँ के पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करने का क्या मतलब है कि वहाँ की पॉलिटिक्स के ऊपर डोमिनेंस डालती हैं। यही तीन कम्युनिटीज़ हैं जो ये तय करती हैं कि किसकी सरकार बनेगी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इन तीन कम्युनिटीज़ को खुश कर देती है तो उसकी सरकार बन गई। तो ये जो तीन कम्युनिटीज़ हैं इनके इश्यूज़ क्या है, इनका एजेंडा क्या है, ये क्या चाहते हैं, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि यही मेजरली डोमिनेट करते हैं वहाँ की पॉलिटिक्स को। उसके बाद इसके अंदर आता है पर्सनैलिटी कल्ट ऑफ लीडर्स। पर्सनैलिटी कल्ट ऑफ लीडर्स का यहाँ पे क्या मतलब है,
पर्सनैलिटी कल्ट ऑफ लीडर्स का पता क्या मतलब होता है कि एक ऐसा लीडर जिसकी हवा हो एक स्टेट के अंदर, जैसे पीएम मोदी की 2014 में और 2019 में एक हवा थी, मतलब कि लोग एमपीज को वोट थोड़ा ना करते थे, डायरेक्टली मोदी को वोट। ये फर्क नहीं पड़ता था कि एमपी उनका कुत्ता है या फिर गधा है, ये फर्क पड़ता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं होता था कि हमारा एमपी कैंडिडेट कौन है, वो डायरेक्टली मोदी को वोट कर देते थे। किसको वोट किया? मोदी को किया। किसी औरत को पूछो, किसी गरीब से पूछो, किसी व्यक्ति से पूछो, किसको वोट किया? मोदी को वोट किया। दे डू नॉट नो दैट होम दे हैव बीन वोटेड, उनको ये भी नहीं पता कि उन्होंने जो है एमपी कैंडिडेट को वोट किया है, क्योंकि इस तरह की हवा, इस तरह की वेव एक चेहरे की बन जाती है, एक लीडर की बन जाती है। जैसे अलग अलग स्टेट्स के अंदर लीडरों की हवा है, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की है, उसके बाद बिहार के अंदर लालू की है, नीतीश की है, इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स के अंदर एक हवा होती है, एक लीडर होता है, पूरी पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर देता है। उसी तरह से जहाँ की पॉलिटिक्स, सिक्किम की पॉलिटिक्स को भी कुछ पर्सनैलिटी कल्ट जो थी लीडर्स की, जो लीडर्स की हवा थी, जो बड़े बड़े पॉपुलर लीडर्स थे, उन्होंने डोमिनेट किया। जैसे कि नर बहादुर भंडारी थे, पवन कुमार चैमलिंग थे, और उसके बाद पीएस गोले थे, इस तरह के लीडर्स वो वहाँ पे थे, उन्होंने यहाँ की पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, मोनार्की जैसे खत्म हुई ना सिक्किम के अंदर, जैसे ही 1973 में मोनार्की के अगेंस्ट वहां पे डिमोन्स्ट्रेशन हुए, प्रोटेस्ट हुए, और 1975 में वहां पे सिक्किम को जो है फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया इंडियन यूनियन की, सिक्किम जो है वो इंडिया की स्टेट बना दी गई, और साथ ही साथ वहां पे मोनार्की खत्म हो गई, वहां पे इलेक्शंस होने लगी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो किया जाने लगा, और वहां पे चुनाव होने लगे। लेकिन जब मैं 1975 के बाद की बात करता हूं ना, जब से वहां पे चुनाव हो रहे हैं, तब से वहां पे तीन मेन पॉलिटिकल पार्टीज ने रूल किया है। वो तीन मेन पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं? पहली तो आ गई सिक्किम जनता पार्टी एसजेपी, दूसरी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ, और तीसरी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम। इन तीन पॉलिटिकल पार्टीज ने 1975 के बाद सिक्किम के अंदर रूल किया है। उसके बाद हमें यह देखने को मिलता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने भी सिक्किम के अंदर जो है अपनी पार्टिसिपेशन कंटिन्यू रखी है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज भी वहां पे अवेलेबल हैं, जैसे कि सिक्किम प्रदेश कांग्रेस कमेटी एसपीसीसी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, और साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये तीन पॉलिटिकल पार्टीज भी सिक्किम के अंदर अवेलेबल हैं, वहां की पॉलिटिक्स के अंदर जो है पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन इन में से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आज तक जो है वहां पे कामयाबी हासिल नहीं हुई है, आज तक इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी की वहां पे सरकार नहीं बनी है। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है कि वो तीन मेन पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो है एसजेपी, एसडीएफ और एसकेएम, यही तीन पॉलिटिकल पार्टीज 1975 से, जब से सिक्किम के अंदर चुनाव हो रहे हैं, तब से रूल कर रही है। हालांकि वहां पे मेन स्ट्रीम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, जैसे कि सिक्किम प्रदेश कांग्रेस कमेटी SPCC है, बीजेपी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, लेकिन ये कभी भी वहां पे जीत नहीं पाई। उसके बाद इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि वुमेन्स की जो पार्टिसिपेशन है वो लोकल लेवल्स पे अच्छी है, लेकिन इलेक्शंस जो असेंबली की होती हैं वहां पे उनकी पार्टिसिपेशन अच्छी नहीं है। मतलब कि वुमेन्स की पार्टिसिपेशन, सिक्किम की महिलाओं की पार्टिसिपेशन जो है लोकल बॉडीज में अच्छी है, लोकल इलेक्शंस में अच्छी है। लोकल बॉडीज कौन सी होती हैं? पंचायत लेवल जो इलेक्शंस होती हैं वहां पे अच्छी है, म्यूनसिपैलिटीज की इलेक्शंस में अच्छी है, म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत में वुमेन्स की पार्टिसिपेशन अच्छी है, लेकिन असेंबली के चुनाव में, एमएलए की इलेक्शंस में, या वहां की विधानसभा के अंदर वुमेन्स की पार्टिसिपेशन अच्छी नहीं है, वहां पे वुमेन्स की पार्टिसिपेशन इतनी भी अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरह से सिक्किम के अंदर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होती है, सिक्किम किस तरह से पहले तो भारत का हिस्सा बनता है, पहले भारत का प्रोटेक्टोरेट था, उसके बाद भारत की फुल फ्लेज स्टेट बनती है, मोनार्की वहां पे खत्म होती है, इलेक्शंस कंडक्ट करवाई जाती है, तीन पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे हमेशा रूल करती रही, और साथ ही साथ वहां पे जो पॉलिटिक्स होती है वो रीजनल इंटरेस्ट के ऊपर होती है, वहां के लोकल इंटरेस्ट के ऊपर होती है, और साथ ही साथ वुमेन्स की पार्टिसिपेशन ज्यादा अच्छी नहीं है असेंबली के चुनाव में, हालांकि लोकल लेवल्स पे अच्छी है। तो यही सब था आज के इस टॉपिक में, इस टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। तो फिर आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके, और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके, तब तक आप सबको धन्यवाद।